डोंबिवली एमआईडीसी में स्थित अनुदान केमिकल कंपनी में हुए ब्लास्ट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि अब उनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, लिहाजा प्रशासन ने शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया है। मृतकों के परिजनों को अस्पताल बुलाया जा रहा है और डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान करने की कोशिश की जा रही है। डोंबिवली में शास्त्री नगर अस्पताल में परिजनों के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कंपनी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। लोग अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। डोंबिवली में हुए अग्निकांड के बाद परिवार बेहद परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना दर्द कैमरे के सामने बयां किया है। केमिकल में हम भी करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? डोंबिवली में। अच्छा, क्या आपका कौन? मेरा भाई है मनोज चौहान। 8 बॉडीज आणि काही बॉडी पार्ट्स आलेले आहेत, त्याच्यापैकी 2 जणांची आयडेंटिटी झाली आहे। उरलेल्यांची आयडेंटिटी होऊ शकत नाही आहे, त्यासाठी काही नातेवाईक जे अप्रोच झाले होते की त्यांचे रिलेटिव्स मिसिंग आहेत, अशांचे आपण सॅम्पल कलेक्ट करतो डीएनए मॅचिंगसाठी। एक्सीडेंट हुआ है, मैं नागपुर में था, कल मेरे को मालूम पड़ा, तो वहाँ से रात को निकल के मैं सुबह आया और अभी सुबह से अभी तक इधर हूँ, लेकिन बॉडी अभी तक मिला नहीं। और उसको 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। कब से काम पे था? काम पे अभी वो लगा, गांव से आया और काम पे लगा। क्या काम करते थे? वो हेल्पर में ही था। गांव से कभी आए? गांव से वो 5 तारीख को आया। अच्छा, और गांव में गए किस लिए गए थे? गांव में शादी था रिलेटिव में, उसके लिए गए। किधर है गांव में? मेरा गांव जौनपुर जिला है, यूपी। अभी क्या डीएनए टेस्ट हुआ? डीएनए टेस्ट बच्चे का किया। नाम क्या बच्चे? बच्चे का नाम हेमंत जयसवार है, पापा का नाम इसके भरत जयसवार है। भरत जयसवार। आणि इथे जे काही परिवार उपस्थित आहेत आता, त्यांचे परिवारजन कालपासून बेपत्ता आहे। त्यांचं काय रुग्णालयात जे जखमी दाखल आहे त्याच्या लिस्टमध्ये किंवा कुठे त्यांचं नाव आढळलं नाही, ते इथे तिथे फिरत होते आणि इथे आता 5 डेड बॉडी आणण्यात आलेली आहे। बॉडीची अवस्था अशी आहे की ओळख पटू शकत नाही, त्यामुळे त्यांच्या परिवारजनांचं डीएनए टेस्ट करण्यात आलं आहे। बॉडीचं डीएनए टेस्ट करण्यात येईल आणि ते मॅच करून बॉडीची ओळख पटवून परिवारांना देण्यात येईल। सध्या त्यांना काहीच माहिती नाही, त्यांचे परिवारचे जी बेपत्ता व्यक्ती आहे ती कशी आहे, कुठे आहे, काहीच अवस्था त्यांना माहिती नाही आहे। एकाचा जवान मुलगा, म्हणजे एकुणता एक मुलगा आहे जगदीश वाघाणी यांचा, आणि आता जे बोलले त्यांचे पण भाऊ आहे, त्यांचे पण परिवार आहे, सगळेच चिंतित आहे। सध्या कुठलीच माहिती कोणाकडे उपलब्ध नाही आहे। डीएनए टेस्ट झाल्यानंतर समजेल कुठे काय अवस्था आहे। वे 229 अंबर ऑर्गॅनिक्स में वो काम करता था, करता है, तो अभी तक उनके कोई समाचार नहीं मिले हुए हैं। जी, यहाँ पर आए थे आप? क्या हुआ यहाँ? कहाँ पर? हॉस्पिटल में आए थे? आपको बोला कि आप? हाँ नहीं, यहाँ पे तो सब बराबर से अपने साथ काम कर रहे हैं, सब कोऑपरेट कर रहे हैं इधर। डीएनए टेस्ट हो गया? हाँ, डीएनए टेस्ट जस्ट अभी हुआ है। जी हाँ। क्या करता था लड़का वहाँ पे? लड़का वहाँ पे जनरली अकाउंट्स का संभाल रहा था और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट संभाल रहा था।